बहुत टाइम हो गया था मैंने आपके साथ कोई अर्बेनिक हॉल नहीं शेयर किया था, तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक ह्यूज सा अर्बेनिक हॉल शेयर करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट रोलिंग। सबसे पहले ना यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ जीन्स से, बिकॉज यू गाइज लव अर्बेनिक की जीन्स। तो सबसे पहली जीन्स हमारी ये वाली है, इट्स पोजिशनिंग प्रिंटिंग स्ट्रेट लेग जीन्स, जिसका प्राइस है 1095 रुपीज। इसमें आई थिंक आपको दो कलर मिल जाते हैं, एक ब्लैक है एंड एक ना थोड़ा ब्लूइश में है। अच्छा गाइज, हर जीन्स का ना साइज हमेशा एक नहीं रहता है, लाइक आप साइज चार्ट देखोगे ना हर किसी का अलग अलग होता है। तो यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ साइज एम, बिकॉज आई हैव अ वेस्ट 29 एंड हिप साइज 40, तो एम ना यूजुअली मुझे फिट हो जाता है। लेकिन कई बार इफ आई हैव टू गेट साइज एल, कई बार ऐसा होता है कि ना एम साइज एल साइज पे शो कर रहा होता है, तो मैं एल ले लेती हूँ, बट मुझे उसकी हमेशा वेस्ट ना ऑल्टर करवानी पड़ती है। सो कीप दिस थिंग इज माइंड कि ना कभी भी आपको एग्जैक्ट फिट नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन आपको हमेशा करवानी पड़ती है। अच्छा, ये वाली जो जीन्स थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसमें साइज एम बाय किया था एंड आई टोटली लव्ड इट। अच्छा, मैं ना आपको प्रॉपरली नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मुझे वेस्ट थोड़ी सी टाइट थी, आई थिंक आई हैव टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ वेट इसके अंदर फिट होने के लिए। ठीक है, मैंने चेंज नहीं करवाई बिकॉज ना वो बिल्कुल हल्की सी टाइट थी एंड आई थिंक आई कैन वर्क अराउंड दैट अच्छा खासा। ठीक है, इसके ऊपर ना ब्यूटीफुल सा ऐसा कुछ प्रिंट सा बना हुआ था, लाइक एम्ब्रॉयडरी सॉर्ट ऑफ वर्क था, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ गिविंग अ स्टेटमेंट पीस वाइज, आप इसके साथ ना बेसिक कोई भी व्हाइट टी या फिर ब्लैक क्रॉप टॉप या फिर कुछ ऑफ शोल्डर और मे बी एनी थिंग जैकेट और टी शर्ट कुछ भी पेयर कर सकते हो, इसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव्ड इट। एंड ना अर्बेनिक जीन्स की एक सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेची होती हैं, तो अगर आपने एक साथ गलती से छोटा बाय कर भी लिया ना, तो लाइक आप उसको फंसा सकते हो। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट जीन्स थी ये, विच इज दी सिंप्लिसिटी स्ट्रेट लेग जीन्स। अच्छा, इसमें एक ही कलर आता है विच इज डार्क ग्रे और इसका प्राइस है 1590 रुपीज। गाइज, अगेन ऑनलाइन चीजों के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भी एक फिक्स प्राइस नहीं रहता, तो मैं नीचे आपको लिंक्स दे दूंगी, आप जो करंट प्राइस है ना वो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगेन ये जीन्स कितनी ज्यादा स्ट्रेची है, ओ माय गॉड। इसमें भी मैंने जो साइज बाय किया था ना दैट वाज मीडियम, लेकिन मुझे ना इसकी वेस्ट ऑल्टर करवानी पड़ी थी बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू नो प्रॉपर फिटेड वाली लुक, मुझे वो पीछे से जो वो गैप्स आ रहा होता ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो फॉर दैट आप भी अपना ऑल्टरेशन करा सकते हो, या फिर अगर आपको फिट ही आ रही है तो आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर दैट, या फिर आप बेल्ट स्केल से कर सकते हो, बट मैं बेल्ट नहीं डालती हूँ इसलिए मैं ऑल्टर उसको करा लेती हूँ। अगेन जीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेची थी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। अच्छा, आई वॉन्ट से अर्बेनिक की जीन्स की क्वालिटी 10/10 होती है, दे आर लाइक 8/10। ठीक है, लाइक इतना है कि आप ना इसको डेली वेयर में डाल सकते हो, एक दो साल में आपकी खराब हो जाएगी, बट इतनी अफोर्डेबल होती है कि ना अगर आप इसको डेली बेसिस पे डाल भी रहे हो, खराब भी हो रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मैंने अभी तक जितनी जीन्स लिया ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको 3-4 साल हो चुके हैं, वो इतनी खराब नहीं हुई है। मे बी बिकॉज आई डोंट वेयर जीन्स दैट मच, ठीक है, वो उस वजह से हो सकता है, बट आई एम हाईली गोइंग टू रिकमेंड दिस पर्टिकुलर जीन्स, क्योंकि ना स्ट्रेट फिट में एंकल लेंथ में मिलती है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है। देन वी हैव द पॉकेट वाइड लेग जीन्स। इसमें भी अगेन एक ही कलर आता है, दैट इज एप्रिकॉट। इसका प्राइस था अराउंड 1400 और 1500 रुपीज। ये ना कार्गो पैंट्स की तरह है, कार्गो प्रिंट नहीं, कार्गो पैंट्स, लाइक जैसे आपको साइड में पॉकेट्स मिलती है ना, ये कुछ उस तरीके की होती है, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है एंड आई टोटली लव दैट। ठीक है, इसी टाइप की एक और जीन्स भी है जो आपको सेकंड देखने को मिलेगी। ये ना नीचे से वाइड लेग है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। अगेन इसमें मैंने साइज एम लिया था, वेस्ट को ऑल्टर करवाया था, उसके बाद मुझे इसकी परफेक्ट फिट मिल गई थी। इस तरीके की जीन्स के साथ में लिटरली आप कुछ भी वेयर कर सकते हो, टीज डाल लो या फिर शर्ट्स डाल लो या कुछ क्रॉप टॉप्स डाल लो, कुछ भी आप पेयर कर सकते हो, वो ना इसके साथ अच्छे से सूट कर जाता है। एंड एप्रिकॉट इज अ काइंड ऑफ कलर जो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और क्लासी लगता है, आप इसके साथ व्हाइट, बेज, ब्राउन कुछ भी वेयर कर सकते हो, यू आर गोइंग टू लव इट। एंड अगेन द क्वालिटी ऑफ द जीन्स इज वेरी वेरी गुड। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड जीन्स ये है जिसका प्राइस है 1590 रुपीज। इसमें एक ही कलर ऑप्शन अवेलेबल था, इसका जो पैटर्न है ना वो पिछली वाली एप्रिकॉट टाइप का ही है, जैसे उसमें पॉकेट्स वगैरह थी, ऑल दैट थिंग। अगेन वेस्ट को मैंने ऑल्टर करवाया था, दोनों का स्टफ क्वालिटी आई थिंक इज कंप्लीटली सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है, द ओनली थिंग इज कलर का डिफरेंस था। सो दीज टू जीन्स आर अगेन वेरी वेरी गुड। देन मैंने यहाँ पे लिया था ये सिंप्लिसिटी पैंट जंप सूट, जिसका प्राइस है 2190 रुपीज। इसमें ना तीन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक ब्लैक है, एक थोड़ा मिंट ग्रीन है, एक ये
ब्यूटीफुल सा इलेक्ट्रिक ब्लू है जो मैंने इलेक्ट्रिक ब्लू कलर लिया था एंड ओ माई गुडनेस दिस इज लिटरली द क्लासीएस्ट जंप सूट आई ओन। ठीक है, फर्स्ट अप तो ना इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेची था। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफ शोल्डर बेसिकली वन शोल्डर टाइप का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन मिल जाता है। नीचे ऐसे नहीं है कि बेसिक जंप सूट है, एक लेग पे ना आपको ऐसे अलग से मतलब वो अटैच मिलता है, मतलब एक कपड़ा अटैच मिलता है जो बहुत ज्यादा क्लासी वाइब देता है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो आई विल से कि आपको इसको नीचे से कट कराना पड़ेगा। लाइक आई एम बिटवीन 5'4" and 5'5", लेकिन आप देख सकते हो मैंने ना इतनी बड़ी हील डाली हुई थी तब जाके पूरा उस हील को भी कवर कर रहा था। सो अगेन, अगर आपको इसको विदाउट हील डालना ना, यू नीड टू गेट इट ऑल्टर, नीचे से आपको इसको कट करवाना पड़ेगा। बट अगर आप हील के साथ वेयर कर सकते हो तो मे बी यू कैन वर्क अराउंड इट। हर साइज वाला ना इसको बहुत इजिली वेयर कर सकता है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड गिव्स यू सच अ क्लासी वाइब। आई हैव दिस रश्ड कॉकटेल ड्रेस, वाओ, ओ माय गॉड। इसका जो मैंने वीडियो है वो बहुत पहले आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, लाइक आई थिंक एक ईयर हो चुका है, पिछली ठंडियों में मैंने करा होगा। एंड मुझे इस ड्रेस की इतनी क्वायरीज आई थी, मैं तब से बोल रही थी कि मैं हॉल बनाऊंगी, बट वो मेरा हॉल ही रह जा रहा था। दिस ड्रेस इज सो 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 प्रिटी गाइज, बट वन थिंग आई हैव टू एड हियर, ये ऐसी ड्रेस नहीं है कि आप कहीं भी डाल के निकल गए। ठीक है, अगर आपका कुछ पर्टिकुलर पार्टी का थीम है या फिर वैसे आपको फोटोशूट के लिए डालनी है तो वेल एंड गुड, आप इसको डाल सकते हो, बट ये ऐसे डलने वाली ड्रेस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अब तो यहाँ पे आपको स्वीट हार्ट नेकलाइन मिलती है, यहाँ पे आपको स्लीव्स मिल जाती है जो लोवर वाली स्लीव्स होती है। दिस इज वेरी 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 शॉर्ट, आई वोंट से शॉर्ट, दिस इज वेरी शॉर्ट। पीछे आपको ना वो मिल जाती है जो वेल टाइप की होती है ना, आपको बेल्ट समेत मिलती है, ऐसे आप डाल लो वो पीछे वेल बन जाती है। दिस इज वेरी बॉडी फिटेड, तो आप मतलब ना इसको लिटरली चलते भी हो ना तो ये ऊपर 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 चढ़ती है। मैंने भी शूट के लिए ठीक है मंगवाई थी, बट मेरे को तो इतनी वो कुछ ड्रेस खास नहीं लगी। हाँ, देखने में इट वॉज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इस तरीके की बिल्कुल ही ऑफ शोल्डर एंड बिल्कुल ही शॉर्ट ड्रेसेस डालने में तो मे बी आपको पसंद आ पाए। ठीक है, क्वालिटी एंड एवरीथिंग वॉज गुड, स्ट्रेची थी। ठीक है, यहाँ पे ना आपको इनविजिबल जो ट्रांजी स्ट्रैप्स होती ना वो भी मिल रही थी, इनकेस वो बार बार नीचे गिरे तो आप वो ट्रांजी स्ट्रैप्स एड कर सकते हो। ठीक है, द ड्रेस वॉज गुड, बट आई विल जस्ट से कि इस तरीके की नहीं है कि आप कहीं भी डाल के निकल गए, यू हैव टू हैव लाइक अ पर्टिकुलर पार्टी थीम इस ड्रेस को डालने के लिए। एंड आई हैव दिस ब्यूटीफुल शीयर पॉकेट ब्लाउज, यू गाइस नो आई लव शर्ट्स स्पेशली ब्लाउजेस। इसमें भी ना तीन कलर ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। इसका प्राइस है 1199 रुपीज। इसमें एक मिंट ग्रीन था, लाइट ब्लू था एंड एक पिंक था। आई वॉज ट्राइंग टू ऑर्डर लाइट ब्लू बट वो बार बार आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा था, तो मैंने पिंक ऑर्डर कर लिया। बट अगेन इट वॉज लुकिंग वेरी 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 नाइस। आप इसके नीचे ना पिंक कलर की वेस्ट डाल सकते हो, व्हाइट कलर की वेस्ट डाल सकते हो, उसको ब्लू जीन्स के साथ पेयर कर लो एंड ओ माई गुडनेस दिस इज लाइक परफेक्ट गो टू आउटफिट फॉर एनी समर सनी डे। लाइक आप इसको कॉलेज में डाल के चले जाओ, वैसे ही आप डे आउट के लिए जा रहे हो, ब्रंच वगैरह के लिए जा रहे हो, आप तब भी डाल सकते हो। यू कैन लिटरली यूज इट फॉर फॉर्मल वेयर टू। आप इसके नीचे यू नो प्रॉपर यू नो स्पेगेटी वगैरह पेयर करके फिर उसको डालोगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी। बट वन थिंग आई हैव टू से, ये बहुत ही ज्यादा शीयर है तो मे बी ऑफिस के लिए इतना अप्रोप्रिएट ना रहे। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स वेरी 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 नाइस। स्टफ बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इट्स लाइक नेट वाला स्टफ होता है ना, उस तरीके का है। तो लाइक क्वालिटी के अकॉर्डिंग ना मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई लव्ड इट। लाइक लुक बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी तो मुझे ये बढ़िया लगी। देन फाइनली आई हैव दिस पैचवर्क क्लासिक ब्लेजर, अगेन ये भी मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड मुझे इसकी बहुत सारी क्वायरीज आई थी बिकॉज दिस ब्लेजर इज सो गुड। लाइक ये फॉर्मल वेयर, पार्टी वेयर, लाइक बहुत ही मिक्स काइंड ऑफ वाइब्स देता है। इसके ऊपर ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिल्वर कलर का पैचवर्क हो रखा है, अलग 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 टाइप का। लाइक आई वोर दिस टू दर्शन रावल्स कॉन्सर्ट एंड ओ माई गॉड, मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, लाइक आई डोंट नो अगर आपने देखा कि नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, मैंने तब वेयर किया था। इसके नीचे मैंने एक क्रॉप टॉप डाला था एंड एक हाई वेस्ट ट्राउजर्स डाले थे जो इतने ज्यादा क्लासी लुक दे रहे थे। लाइक इट वॉज गिविंग काइंड ऑफ अ फॉर्मल वाइब कि आप अपने कॉलेज में डाल सकते हो, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी क्लासी, वेरी पार्टी वेयर, वेरी शीक कि आप एक कॉन्सेप्ट में उस तरीके का कुछ डाल सकते हो। इट वॉज लाइक लिटरली गिविंग दोज बॉस वाइब्स एंड आई टोटली लव्ड इट। प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं था, आई थिंक अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट ऑब्वियसली आप विशलिस्ट करके रख सकते हो, जब स्टॉक में आए आप तब इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे के सारे आउटफिट्स का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो अलॉन्ग विद द साइजेस। कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो गए हो क्योंकि वो बहुत पहले मैंने लिए हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर आप नीचे जाके चेक करते हो ना तो आपको सिमिलर आउटफिट्स देखने को मिल जाती है पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट इज इट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू डू प्लीज नो फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।